स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा वन वे स्लैब जो हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस, जिसमें हमारे को क्लियर स्पैन दिया हुआ था 3 मीटर और लाइव लोड 2.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और Fe415 स्टील ग्रेड और M20 कंक्रीट ग्रेड। तो उसके स्टेप वाइज हम कैलकुलेशन कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चेक फॉर शियर, हमने नॉमिनल शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट और शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट टाउ सी की वैल्यू को फाइंड आउट किया और जो शियर कंसिडरेशंस थी उनकी कंडीशंस थी उनको सेटिस्फाई किया। ठीक है जी, टाउ वी और टाउ सी और टाउ सी मैक्स की वैल्यूज को देखा। ठीक है जी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो देखते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। तो LD डेवलपमेंट लेंथ के लिए हमारी जो टर्म रहती है, चाहे बीम का केस हो चाहे स्लैब का केस हो, सिंगली हो डबली रीइंफोर्स्ड हो, तो उसके लिए हमारी जो स्टेप्स रहते हैं वो कॉमन रहते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ के लिए देखते हैं, डेवलपमेंट लेंथ लेस देन इक्वल टू क्या होता है 1.3 M1 by V shear force plus L0। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं L0 क्या है, ये सारी टर्म को हम डिस्कस कर चुके हैं 2-3 बार। ठीक है जी, लास्ट लेक्चर्स में। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं LD। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करने वाले हैं LD की वैल्यू को। LD की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यानी कि डेवलपमेंट लेंथ हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू इस टर्म के होना चाहिए। ठीक है जी, तो हमारी क्या है डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायरमेंट जो है सेटिस्फाई करेगी। ठीक है जी, तो चेक करते हैं LD के लिए। LD क्या है, 0.87 FY फाई डाया डिवाइडेड बाय 4 tau BD। ये बोन स्ट्रेस जो आती है वो हम डायरेक्टली कहां से कलेक्ट करते हैं, कोड से आया है, जो 456 कोड है। ये सारी वैल्यूज हम कहां से ले रहे हैं, एज पर IS कोड 456 2000। ठीक है जी, ये कोड का यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना ये बात। तो टाउ बीडी की वैल्यू जो है यहां से हम कोड से कैलकुलेट करेंगे कितनी आएगी, M20 और जो 415 के लिए जो टेबल बना हुआ है 3.5 हमारा, तो उसके लिए वहां से हम टाउ बीडी की वैल्यू को डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से वैल्यू आ रही है 1.92। ठीक है जी, तो यहां से अगर हम पुट करें वैल्यू तो क्या आ रही है, 0.87 इनटू FY की वैल्यू कितनी है, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर 5, यानी कि डायाफ्राम हमारा कितना यूज कर रहे हैं 10 mm का, तो 10 mm। ठीक है जी, मेन स्टील का यूज बात कर रहे हैं, 4 इनटू टाउ बीडी। तो टाउ बीडी की वैल्यू हमारे कोड में है 1.92, इसके लिए टाउ बीडी की वैल्यू 4 M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील, टाउ बीडी इक्वल टू 1.92। ठीक है जी, टाउ बीडी की वैल्यू कितनी है कोड में, 1.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हम कोड से डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं वैल्यूज को। ठीक है, जिसके Fe420 और Fe415 स्टील ग्रेड के अगेंस्ट हमारी टाउ बीडी बोन स्ट्रेस की वैल्यू जो आ रही है ये 1.92 आ रही है, तो यहां पे हम पुट कर सकते हैं 1.92। ठीक है जी, तो वैल्यू कितनी आई आफ्टर द कैलकुलेशन टाउ बीडी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, सॉरी, जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू आएगी वो कितनी रहेगी, यहां पे 470.12 mm। तो ये वैल्यू जो है हमारी किसके लिए है, LD की वैल्यू है। ठीक है जी, तो LD हमारे पास कितना आ गया है, 470.12 mm। ओके, ये बात यहां पे ध्यान रखनी है। तो ये हमारा रिलेशन अब आ गया LD के लिए। तो ये हमारी जो दूसरी है मोमेंट, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो अननोन वैल्यू, ये मोमेंट निकालना पड़ेगा, M1 की वैल्यू, L0 की वैल्यू हमें चाहिए और V की वैल्यू चाहिए। तो ये हम फिर इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। सबसे पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे जो हमने प्रोवाइड किया है 10 mm डाया बार जो हमने यूज किया था मेन स्टील के लिए, 280 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग।
तो M1 क्या है, यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, M1 क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर प्रोवाइडेड बाय ठीक है जी। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये वैल्यूज हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की अब फाइंड आउट करने वाले हैं, तो ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो M1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रिलेशन क्या रहेगा, 0.87 FY, ये आप ध्यान रखिए ये बातें सारी जो टर्म है बहुत काम वाली है, इनटू AST डी माइनस FY AST, इस टर्म में हम M1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, AST1 यहां पे यूज करेंगे, AST1 ठीक है जी। तो ये है ध्यान रखना F secant to B, तो ये टर्म है हमारे पास। अब FY की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 415 है, FY की वैल्यू कितनी है, 415 न्यूटन पर mm² है। AST की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, AST1 अगर हम निकालें तो AST1 कितना आएगा, AST1 इक्वल टू क्या रहता है, एरिया ऑफ 1 बार इनटू विड्थ ऑफ द स्लैब बाय स्पेसिंग। तो एरिया हमारा निकल जाएगा यहां से क्या रहेगा, एरिया ऑफ 1 बार इनटू विड्थ ऑफ द स्लैब, 1 मीटर विड्थ हम लेके चल रहे हैं बाय स्पेसिंग। तो यहां से हम AST1 निकाल सकते हैं, ठीक है जी, इस रूल से। तो यहां से आया एरिया 1 बार हमने निकाला था, कितना था, 78 पॉइंट आया था, 78.5, ठीक है जी, 78.5। जैसे एरिया ऑफ स्ट्रिंग हमने अभी जो हमारा चेक फॉर शियर कर रहे थे उसमें भी हमने कैलकुलेट किया, 78.5 इनटू 1000 बाय स्पेसिंग कितनी है, 280। तो यहां से हमारी वही वैल्यू आएगी 280, जो हमारी mm² यहां से AST1 आ जाएगा। तो इससे पहले भी हम यहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं 280 mm², ठीक है जी, ओके। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है AST1 की, तो ये हम पुट कर सकते हैं 280 mm² AST1 का। तो D की वैल्यू कितनी है, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, तो इफेक्टिव डेप्थ हमारी कितनी थी, 120 थी, ठीक है जी। तो 120 यहां पे पुट कर देंगे वैल्यूज को, ठीक है जी। तो कितनी है 120, डी कितना है हमारे पास 120 mm, FY हमें पता है 415 न्यूटन पर mm² है, AST वैल्यू अभी निकाली हमने 280 mm², ठीक है जी। और FC के कितना है, 20 न्यूटन पर mm², और बी विड्थ ऑफ द बीम कितना है, 1000 mm, क्योंकि पर मीटर लेंथ दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमारे पास नोन है, तो हम M1 की वैल्यू आफ्टर द कैलकुलेशन ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, मोमेंट की। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है, यहां से नोट कर लेते हैं। तो यहां से आफ्टर द कैलकुलेशन ये वैल्यू आएगी हमारे पास मोमेंट की, ये वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास M1 की वैल्यू आने वाली है आफ्टर द कैलकुलेशन 1154 न्यूटन मिलीमीटर। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, M1 की वैल्यू ये हम यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है जी, इस टर्म में। तो हमारे पास आ गई है 1154424 न्यूटन मिलीमीटर वैल्यू आई है, ठीक है जी। अब यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, शियर फोर्स अननोन है, तो शियर फोर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। तो शियर फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू जो है शियर फोर्स की, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या टर्म रहेगी, जो हमारा
शेयर फोर्स है वो क्या होता है, लोड WL by 2, तो डायरेक्ट यहां से WL by 2 से हम शेयर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है जी। तो ये लोड लोड कितना था डिजाइन, और WU कितना था हमारे पास 9375 इनटू इफेक्टिव स्पैन ऑफ द स्लैब कितनी थी 3.12 थी by 2, तो यहां से वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे किसकी, शेयर फोर्स की। तो कितनी वैल्यू आ रही है शेयर फोर्स की, यहां से शेयर फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 14625 न्यूटन, ठीक है जी। तो ये टर्म हम यहां पे यूज कर सकते हैं इसके लिए, शेयर फोर्स के लिए, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमारी शेयर फोर्स की आ चुकी है यहां पे, ओके आफ्टर द कैलकुलेशन, ओके। तो शेयर फोर्स आ गया, अब रहा क्या अननोन हमारे पास, एल नॉट। तो एल नॉट यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लेंथ ऑफ बार अवेलेबल सपोर्ट, तो लेंथ ऑफ बार अवेलेबल सपोर्ट निकाल लेते हैं यहां पे। तो एल नॉट क्या होता है, लेंथ ऑफ बार, एल नॉट क्या होता है, लेंथ ऑफ बार, लेंथ ऑफ अवेलेबल बार्स होते हैं ये हमारे, क्या होते हैं लेंथ ऑफ बार अवेलेबल सपोर्ट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, जो हमारी विड्थ है सपोर्ट की उसमें से एंड कवर माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, विड्थ ऑफ सपोर्ट माइनस कवर। तो कवर को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। एंड कवर यहां पे क्या यूज करेंगे हम, एंड कवर जो स्लैब में हमने प्रोवाइड किए हुए, तो ये टर्म से हम एल नॉट की वैल्यू फाइंड आउट। तो एल नॉट इक्वल टू क्या हुआ, विड्थ ऑफ सपोर्ट कितनी है हमारे पास, विड्थ ऑफ सपोर्ट 200 है, विड्थ ऑफ सपोर्ट हमारे पास कितनी है 200, विड्थ ऑफ सपोर्ट 200, तो 200 माइनस 20, क्योंकि 20 हम यहाँ पे एंड कवर यूज कर रहे हैं, तो 80 mm आ गया है हमारे पास, 80 mm वैल्यू किसकी है, ये एल नॉट की। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो दूसरी टर्म क्या है, 180 mm आया यहां से एल नॉट, 180 mm, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम बात करें एम्बेडमेंट लेंथ, जो एम्बेडमेंट लेंथ रहेगी फॉर सेंटर ऑफ सपोर्ट, वो भी एल नॉट होती है हमारी, वो कैसे कैलकुलेट करें, वो भी हमें यहां से क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वो अगर यहां पे हमारा विड्थ ऑफ सपोर्ट माइनस एंड कवर है वो यूज कर लिया है, ये है हमारी अवेलेबल सपोर्ट, अगर अवेलेबल सपोर्ट है तो उसके लिए हमारा 180 आता है। अगर हम एम्बेडमेंट लेंथ की बात करें तो एम्बेडमेंट लेंथ के लिए अलग रूल को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो वो देखिए कैसे होगा, अब हमारे पास 180 आया है, उसके बाद देखिए जो वैल्यू रहती है हमारी वो कैसे फाइंड आउट करें डेवलपमेंट लेंथ के केस में। तो ये हम फिर अप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज को, विड्थ ये हमारी अवेलेबल बार सपोर्ट के लिए था जो हमने एल नॉट निकाला, ठीक है जी। ये हम कैपिटल एल नॉट से डिनोट कर सकते हैं इसको, कैपिटल एल नॉट से, ठीक है जी। यहाँ पे क्या था वी, ओके तो सारी वैल्यू निकाली। तो अब हम एल नॉट जो रहता है और क्या रहेगा, एम्बेडमेंट की बात करिए, एम्बेडमेंट लेंथ फ्रॉम, एम्बेडमेंट लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट यानी कि एल नॉट, एल नॉट दो टर्म हमारी एल नॉट
अगर लेंथ ऑफ बार अवेलेबल स्पोर्ट है तो ये हमारा जो रूल लगेगा, जैसे हमने किया था 200 माइनस 20 तो हमारे पास आया था 180 mm, ठीक है जी। तो दूसरी क्या है, एल नॉट फाइंड आउट करने के लिए स्पोर्ट विड्थ जितनी रहेगी, अगर एम्बेडमेंट की बात कर रहे हैं, जो एम्बेडमेंट है एम्बेडमेंट लेंथ है फॉर एम्बेडमेंट लेंथ फॉर सेंटर ऑफ सपोर्ट है, तो स्पोर्ट विड्थ जितनी रहेगी बाय 2 माइनस एंड कवर कर देंगे तो हमारे पास एल नॉट की वैल्यू आ सकती है, ठीक है जी। तो क्या है, हमारे पास 200 है, स्पोर्ट विड्थ बाय 2 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 80 mm, तो ये वैल्यू हमारे पास आ सकती है। तो 80 mm हमारे पास एल नॉट की वैल्यू आ चुकी है, और v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हमने, m1 की वैल्यू, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली, तो ये वैल्यू हम यहां पे इस टर्म में सेटिस्फाई करके देखते हैं, ठीक है जी। तो जब ये टर्म हम सेटिस्फाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या हैं, देखिए अगर हम इस टर्म में वैल्यू पुट करते हैं तो हम जो एल नॉट की वैल्यू 80 mm पुट करेंगे और m1 की वैल्यू जो आई थी हमने फाइंड आउट की और वो पुट करेंगे तो यहां से वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है 1106.3, ठीक है जी। तो आफ्टर द कैलकुलेशन ये आ रही है हमारे पास 1106.13 mm, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमारे पास इस टर्म की आई है, तो md हमने कैलकुलेट किया था 470, तो कम है 470 इससे, तो यानी कि ये कंडीशन जो है, ये जो टर्म है वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे एक बात लिखेंगे हम, यानी कि 1106 LD की वैल्यू कितनी थी हमारी 470.12 लेस देन है ना किससे, 1106.13 mm से, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पे, ये हमारी LD की वैल्यू थी और ये पूरी टर्म की वैल्यू है, ओके। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, हेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट लेंथ आर ओके, हेंस द डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायरमेंट्स आर ओके, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है अपने, तो यहां से हमारा जो कंडीशन है यहां पे, जब डेवलपमेंट लेंथ के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी लेंथ की, वो हमारी सही है। और उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप नंबर 12 की, तो स्टेप नंबर 12 में हम जानेंगे डिफ्लेक्शन के बारे में, जो तो चेक फॉर डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन चेक करेंगे यहाँ पे। तो डिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास एल बाई डी रेशियो जो प्रोवाइडेड रहती है और एल बाई डी जो मैक्सिमम कितनी रहती है वो हम उसका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि L by D मैक्सिमम जो है उससे वो हमारी जो प्रोवाइडेड है वो कम होनी चाहिए, तो हमारी जो डिफ्लेक्शन क्राइटेरियस कंडीशंस हैं सेटिस्फाई करती हैं, तो उसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 12 की बात करते हैं, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, स्टेप नंबर 12, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, ठीक है जी। डिफ्लेक्शन चेक के लिए हमारे पास, क्योंकि ये हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है जी। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के चेक कर, तो हमारा डिपेंड करते हैं हम परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील पे, ठीक है जी। तो ये परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, एल बाई डी मैक्सिमम कितनी रहती है और प्रोवाइडेड है वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं।
बाई डी मैक्स कितना रहता है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो ए एस टी प्रोवाइडेड भी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ कंसाइज अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें, परसेंटेज ऑफ कंसाइज टी इक्वल टू क्या रहता है, 100 इनटू एएसटी बाय बीडी, 100 इनटू एएसटी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्लैब, ठीक है जी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, इसी सारी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 100 इनटू एएसटी की वैल्यू कितनी आई थी, एरिया ऑफ स्टील हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था 276.10 mm², बी कितना है हमारे पास 1000 mm, डी कितना है हमारे पास 120, तो वैल्यू कितनी आती है हमारे पास परसेंटेज ऑफ कंसाइज स्टील की 0.23%। ओके, तो यहाँ पे 276.70 था, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारी परसेंटेज आ गई है 0.23%, ठीक है जी। तो यहाँ से हम और वैल्यूज जो है हमारी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो AST प्रोवाइडेड अगर हम देखें तो एरिया ऑफ वन बार अगर हमने देखा तो स्पेसिंग, तो AST प्रोवाइडेड भी हमने फाइंड आउट किया, ठीक है जी, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो FS की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट, क्योंकि हमारी जो डिफ्लेक्शन है वो चीज़ें पे डिपेंड करेगी। ये हमारी FS की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या रूल रहता है, 0.58 FY एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ स्टील required by area of steel provided, area of steel provided, तो required area हमने calculate कर चुके हैं, तो provided area भी calculate कर सकते हैं। जब हमारे पास one bar का area आ जाएगा तो उससे हम अगर spacing पता है तो हम area of steel provided भी calculate कर सकते हैं। तो ये यहाँ से अगर पता करें value को put करें तो हमारे पास area of AST provided क्या है, AST provided को values को देखें तो हमारे पास कितनी थी, AST provided निकालें तो AST provided equal to क्या रहता है, AST provided value area of one bar कितना है, area of one bar हमारे पास कितना था, area of one bar 78.5 आया था, 78.5 into B 1000 by spacing 280 mm, तो यहां से हमारे पास AST की वैल्यू, AST provided की वैल्यू आ सकती है। तो कितनी आ गई है, 280 mm² तो AST हमारे पास क्या आता है, 280 mm², और AST जो area of steel required, तो AST required जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये कितना आ रहा है हमारा, AST required 27 हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था, 276.70 mm² हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहां से FY की वैल्यू कितनी रहती है, 415 newton per mm². तो FS की वैल्यू भी आफ्टर द कैलकुलेशन ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस टर्म में तो हमारे पास FS की वैल्यू आ सकती है। तो कितनी आएगी, 237.86 न्यूटन पर mm², तो ये वैल्यू हमारी किसकी, FS की। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ स्टील और FS की वैल्यू पे हम डिपेंड कर सकते हैं किसके लिए, जो हमारे मॉडिफिकेशन फैक्टर हैं वो कितने लें, ठीक है जी। अगर मॉडिफिकेशन फैक्टर की बात करें तो हम, क्योंकि L by D प्रोवाइडेड क्या रहता है वो वहाँ पे हम मॉडिफिकेशन फैक्टर्स यूज करते हैं, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है वो डिपेंड करते हैं परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील पे और FS पे। तो ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए, तो अब हम बात करते हैं इनके बाद, हम जो FS की वैल्यू आई है और हमारे पास परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील आया है वो देखिए कितना आया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफिकेशन फैक्टर की बात करेंगे। ओके, ये वैल्यू हमारी थी, दो वैल्यू थी जो डिफ्लेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर जो हम यूज करते हैं एल बाय, क्योंकि एल बाय डी जो रहेगा, एल बाय डी मैक्सिमम जो होता है वो कितना है, वो डिपेंड करता है, वो
इक्वल टू 20 सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात कर रहे हैं तो 20 इनटू kt इनटू kc इनटू kf, तो ये वाले जो टर्म है kt kc kf ये हमारे मॉडिफिकेशन फैक्टर रहते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू हम बीम के लिए तो हम 111 रहती है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो स्लैब के केस में भी देख लेते हैं, कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट हमने यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करनी है तो क्या है, तो kt kc kt वैल्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा क्या था, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन, ये हमारा अगर fs। तो अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन फैक्टर्स की kt की, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर्स वो क्या रहेंगे, तो सबसे पहले kt की बात करते हैं। kt क्या रहेगा, हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है 4 कितना रहता है, अगर हम बात करें 4 परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन 0.23% है एंड जो fs की वैल्यू है वो कितनी है 237.86 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो ये दो वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा जो kt की मॉडिफिकेशन फैक्टर आ रहा है हम कोड से डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं इस टर्म से, जो परसेंटेज ऑफ स्टील अगर हम और fs की वैल्यू पता है तो हम kt की वैल्यू जो यहाँ पे कोड में आ रही है 1.62 रहती है, 1.62 ठीक है जी। तो ये किसके लिए है, परसेंटेज अगर 2.23 है और fs की वैल्यू इतनी है तो हमारे उसके अंगेंस्ट जो kt की वैल्यू आ रही है 1.62 आ रही है। ओके, kc की वैल्यू कितनी रहती है 1, इसके लिए क्योंकि यहाँ पे शेयर इन्फोर्समेंट हम नहीं प्रोवाइड कर रहे तो kc 1 रहेगा, इसके लिए 4 शेयर रिइंफोर्समेंट, फॉर शेयर इन्फोर्समेंट नो कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट, सॉरी नो कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट, फॉर नो कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, तो देन क्या होगा हमारे पास के kc की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। और हम बात करें अगर मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है हमारे kf, तो kf की वैल्यू भी देखते हैं कितनी रहती है, तो kf की वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी kf, तो kf की वैल्यू जो रहेगी 1 रहती है 1, तो ये भी 1 वैल्यू रहेगी kf के लिए। ये कब होती है 1, ये भी बात ध्यान रखिए, स्लैब सेक्शन क्या है रेक्टेंगुलर है, स्लैब सेक्शन इज रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर जब स्लैब का सेक्शन रहेगा तो हम जो के ये मॉडिफिकेशन फैक्टर्स है kf 1 लेंगे। तो यहां पे वैल्यू जो है सारी हम यहां पे l by d max से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो l by d max की वैल्यू कितनी आ गई, अगर यहां पे पुट करें हमारे पास kc की kt की वैल्यू कितनी है 1.62 और kc हमारे पास कितना आया है 1, क्योंकि हम नो कंप्रेशन इन्फोर्समेंट नहीं है और स्लैब रेक्टेंगुलर तो kf हमारे पास क्या रहेगा 1। तो सारी वैल्यू पुट की तो हमारे पास l by d max कितना आ गया, l by d max आफ्टर द कैलकुलेशन इस ये टर्म को अगर हम कैलकुलेट करें तो l by d max हमारे पास आ रहा है 32.4, तो 32.4 l by d max आ रहा है। तो हमने l by d एक्चुअल में कितना प्रोवाइड किया ये बात यहाँ पे हमें सीखनी होगी, ठीक है जी। तो l by d प्रोवाइडेड निकाल लेते हैं यहाँ पे, l by d प्रोवाइडेड, तो l by d प्रोवाइडेड निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू l की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यानी कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्लैब कितना आया था 3.12 मीटर, तो उसको मीटर mm में कन्वर्ट करेंगे तो 3120 आ गया, तो 3120 by d कितना है 120, तो वैल्यू हमारे पास कितनी है l by d प्रोवाइडेड की, l by d प्रोवाइडेड की वैल्यू आ रही है 26, यानी कि हमारी जो l by d प्रोवाइडेड है वो क्या है लेस देन है 26, क्या आ रहा है यहाँ पे 26 क्या है लेस देन है 32.4 से, यानी कि l by d प्रोवाइडेड क्या है लेस देन है l by d प्रोवाइडेड लेस देन है l by d मैक्स से, ठीक है जी। तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है जी। तो ये हम बोल सकते हैं हेंस द स्लैब सेटिस्फाई द चेक फॉर डिफ्लेक्शन, हेंस द
स्लैब, हेंस द स्लैब सेटिस्फाइड चेक फॉर डिफ्लेक्शन। ये बात ध्यान रखना, चेक फॉर डिफ्लेक्शन एंड सेटिस्फाई द लिमिट ऑफ सेट एंड सेट।